फ्रेंड्स, वैसे तो बॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन। हीरो हीरोइन को मूवी में प्यार हो जाता है, जिनके इस लव स्टोरी की जर्नी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन एंड में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और इसके साथ ही फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूवी मसाला में, जहाँ मिलेगी आपको मूवी से रिलेटेड लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और चटपटी खबरें। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की टॉप 10 लव मूवीज, जिनकी स्टोरी अगर आप सिंगल है तो आपके मन में लव फीलिंग्स तो जगा ही देगी। तो चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं मूवीज की तरफ। मूवी नंबर 10 है DDLJ। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें शाहरुख खान, जिन्हें रोमांस का किंग माना जाता है, राज और सिमरन की प्रेम कहानी जो यूरोप के खूबसूरत नजारों से होते हुए पंजाब के हरे भरे खेतों में कैद हुई है, आपका दिल जीत लेगी। यहाँ तक कि इनकी तीखी केमिस्ट्री आपको प्यार में डूबने पर मजबूर कर देगी। मूवी नंबर 9 है कुछ कुछ होता है। ये फिल्म 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राहुल यानी कि शाहरुख और अंजलि यानी कि काजोल एक अच्छे कॉलेज दोस्त है, जिसमें अंजलि हमेशा लड़कों की तरह रहती है, और तभी एंट्री होती है टीना की यानी कि रानी मुखर्जी की, जिससे राहुल को प्यार हो जाता है, और तभी अंजलि को एहसास होता है कि उसे भी राहुल से प्यार है, और दोनों कॉलेज के बाद से अलग हो जाते हैं। इस फिल्म के थ्रू वन साइडेड लव को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। मूवी नंबर 8 है हम दिल दे चुके सनम। ये फिल्म 18 जून 1999 को रिलीज हुई थी। एक प्रेम गाथा जो राजस्थान के रेगिस्तान से यूरोपी शहर हंगरी तक जाती है। ये शादी के बाद हुए लव पर फोकस करती है। इस फिल्म में अजय देवगन, सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने लीड रोल प्ले किया है। मूवी नंबर 7 है वीर ज़ारा। ये फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। शाहरुख की यह फिल्म सेना के नेता वीर प्रताप सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की ज़ारा हयात से प्यार हो जाता है, और कैसे उनके प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरता है इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी नंबर 6 है जब वी मेट। ये फिल्म 26 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई थी। जब वी मेट एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर खान के प्यार को इलीगल तरीके से दिखाया गया था। अपोजिट बैकग्राउंड के दो लोग एक साथ आते हैं और समय के साथ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मूवी नंबर 5 है तनु वेड्स मनु। ये फिल्म 25 फरवरी 2011 को रिलीज हुई थी। कंगना रनौत की एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक शादी के बाद की ऐसी लव स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें सिर्फ पार्टनर की खुशी में मायने रखती है। इस मूवी में आर माधवन जो मनु का रोल प्ले करते हैं, शादी के बाद तनु की खुशी के लिए तनु को उसके BF से मिलने की परमिशन देते हैं। मूवी नंबर 4 है बर्फी। ये फिल्म 14 सितंबर 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म बर्फी एक ऐसी लव स्टोरी को बताती है जो किसी भी कंडीशन को प्यार करने पर हावी नहीं होने देती है। इस फिल्म में एक म्यूट बॉय और एक ऑटिस्टिक गर्ल को आपस में प्यार हो जाता है। वो दोनों किसी की परवाह किए बिना हमेशा ही खुश रहते हैं। मूवी नंबर 3 है गोलियों की रासलीला रामलीला। ये फिल्म 15 नवंबर 2013 को रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हैं, जो अपनी अफवाह वाली शादी के लिए सुर्खियों बटोरते नजर आते हैं। मूवी नंबर 2 है कबीर सिंह। ये फिल्म 21 जून 2019 को रिलीज हुई थी। ये एक जुनूनी लड़के कबीर, जो कि शाहिद कपूर प्ले करते हैं, उसकी स्टोरी बताते हैं, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे अपनी जूनियर से प्यार हो जाता है, और अपने प्यार को खोने के बाद वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर चले जाता है। मूवी नंबर 1 है लव आजकल। ये फिल्म 14 फरवरी 2020 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दो अलग जनरेशन की प्यारी सी लव स्टोरी को दिखाया गया है। इस फिल्म में हम रिलेट कर सकते हैं कैसे टाइम के साथ हमारे दिल में किसी के लिए फीलिंग चेंज हो जाती है, और किसी की फिक्र ना करते हुए हम उससे प्यार करने लगते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको उस मूवीज के बारे में जानकर, और आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।